पढ़ना है वही है भैया जिससे इस साल है ना पेपर में सबसे अधिक नंबर आए बस, और हमें हमारे दिमाग में भी नंबर छोड़ के कुछ भी नहीं, पेपर में नंबर आने चाहिए हमारे। चलिए देखिए 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखिए अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी, एक आदमी के सैलरी में 10% का इंक्रीज हुआ है। देखो जैसे ये जो अभी आप इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज है ना, इसका ट्रिक आता है जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो कॉम्पिटिटिव के लिए आता है, ठीक है। अभी मैं घर पे उसी को क्या कहते हैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए मेरे पास, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसके थ्योरम के हिसाब से ही चलना है, ऐसे लिखोगे तभी आपका मास्टर नंबर। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। अगर अभी उसका 1,54,000 है 10% इंक्रीज के बाद, तो उससे पहले 10% इंक्रीज से पहले क्या सैलरी थी, तो लेट द ओरिजिनल सैलरी हम एक्स मान लेते हैं, न्यू सैलरी हमको दिया ही है 1,54,000, तो ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट मतलब जितनी की बढ़ोतरी हुई है 10% न्यू सैलरी आ जाएगी। तो गिवन दैट द इंक्रीमेंट इज 10% ऑफ द ओरिजिनल सैलरी, दैट्स व्हाई एक्स जो होगा वो क्या होगा प्लस 10/100 × x। 10% के इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, 10/100 × 100 बराबर 1,54,000, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 10 आ जाएगा, 10 × 10 = 100 कट जाएगा, तो 1/10 मतलब वो एक्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 10/100 × x है, 10 × 10 = 100 होता है, तो ऊपर 1 था, x उसके साथ मल्टीप्लाई हो तो 1/10 हो जाएगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1,54,000, तो 11, और ये ऊपर कितना है, डबल x है, ये 11x/10 हो जा रहा है, ये एलसीएम हम ले सकते हैं इसका, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के हो जाएगा, एक्स के नीचे 1 कर दो और ये x/10 है, इसके एलसीएम लेंगे तो 11x/10 हो जाएगी, समझ रहे हैं, एलसीएम लेके है, आपको समझ में आया, कोड में देखो, एक्स प्लस एक्स अपॉन टेन है ना, आया क्या हो जाएगा, हम इस x को यहाँ इधर रख करके पूरे के पूरे फ्रैक्शन को ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 ऊपर 11 नीचे, तो कट कटा के कितना गया 1,40,000 रुपए, तो ओरिजिनल सैलरी हमको मिल गई 1,40,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्लियर हुआ, नेक्स्ट। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, संडे के दिन 845 लोग जू में जाते हैं, ऑन मंडे ओनली 16 पीपल वेंट, लेकिन मंडे को केवल 169 लोग ही जाते हैं, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो भैया संडे के बाद मंडे आता है, तो मंडे में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ कि 169 लोग ही आ रहे हैं, नाम लिख दीजिएगा, हो गया सारा टेस्ट, करो रखो रखो तुम जाओ। गिवन दैट ऑन संडे 840 पीपल एंड मंडे 169, तो डिक्रीज इन नंबर पीपल कितने हो गए, 676। तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू जू ऑन संडे, मतलब इस हिसाब से अगले दिन का, तो नंबर कितना डिक्रीज हुआ है, 676 लोग कम हुए हैं गुने 100, और संडे को लोग टोटल गए कितना थे, 845, तो ये पूरा कट कटा के कितना हो जाएगा, 80% आपका आंसर आ जाएगा, मतलब कितने परसेंट डिक्रीज हुई संडे से मंडे के बीच में, 80% की गिरावट, डिक्रीजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 24,000 रुपीज and sells them for 24,000 है, हाँ, टेस्ट दो, 80 आर्टिकल बेचता है, 80 तरह की चीजें बेचता है और उसकी कीमत कितनी है, 2,400 रुपए, और इसको बेचने के बाद
जब वो बेचता है तो उसको 16% का प्रॉफिट भी हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो एक एक आर्टिकल का, 80 आर्टिकल था ना, तो एक एक ईच आर्टिकल का आपको प्राइस बताना है कीमत कितनी है। गिवन डेट शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल भेजे हैं 2400 रुपए में, 24 रुपए में, 80 आर्टिकल की टोटल प्राइस कितनी है, 2400। क्या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 30 रुपीज आ रही है, ठीक है। हमें पता है कि परसेंटेज 16% उसको प्रॉफिट भी हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट अपॉन 30 इंटू 100 प्रॉफिट कितना हुआ है, अब प्रॉफिट उधर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा और 16 को अंदर ले लेंगे हम लोग, 16 इंटू 30 अपॉन 100 हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 4.8। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल सीपी प्लस प्रॉफिट होगा ना, आपने जितना में कोस्ट प्राइस है, सॉरी सीपी मतलब कोस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस लगाने के लिए कोस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कोस्ट प्राइस 30 रुपए हमने निकाले लिया था और 16% का प्रॉफिट लगा के एक पे 4.80 रुपए का, तो एक 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 आर्टिकल 34.80 रुपए का बेचा। 4.8 प्रॉफिट है किस चीज पे, एक पे 30 रुपया था उसका कोस्ट प्राइस हो गया 30 रुपया, और उस पे प्रॉफिट अगर 16% के हिसाब से देखें तो 4.80 रुपए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ सब बच्चों का। फोर्थ पे द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज, ओके। किसी आर्टिकल का या किसी भी चीज का जो प्राइस है 15,500, 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरमेंट। मान लो कोई सामान या गाड़ी खरीद के लाए, स्कूटी खरीद के लाए और 450 रुपया उस पर और खर्च किया उसने। If it is sold for a profit of 15%, 15,500 का सामान खरीद के लाया, 450 रुपए उसको रिपेयरिंग पे खर्चाया, और जब उसने बेचा तो उसको प्रॉफिट 15% का हुआ, तो आपको ये बताना है कि उसने कितने में बेचा कि उसको प्रॉफिट उसकी 15% आई। तो हाँ, खर्च का भी हो ना, 450 कहाँ जाएगा, वो भी है ना उसपे। तो कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब कि जो रिपेयरिंग में खर्च किया है, तो 15,950 आ गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज 15 है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, तो प्रॉफिट बटे 15,950 गुने 100, प्रॉफिट प्रॉफिट बाहर गया, 15 अंदर आया, कट कटा के 2392.50 आ गया ना, 2392.50 आ गया, हाँ ये प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 15,950 तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस था और प्रॉफिट 2392.50 हो गया, 1834.50, ठीक है ना। ये आपको सारे टाइप के क्वेश्चन, और याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं ना, आप किसी भी दुनिया में कॉम्पिटिशन में जाएंगे क्वेश्चन यही आना है बहुत ज्यादा। आपको बस ये बता देंगे, जैसे ही आप पेपर दे लो, मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव पढ़ाने के चक्कर में था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि सब बच्चों का पेपर है, हमें पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ये सब जितना भी आप अभी प्रॉफिट लॉस बना रहे हो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, यही कैसे वहां पर क्वेश्चन आएगा आप देखते ही सीधे सॉल्व करेंगे। आपने इतना ये बड़ा टंटा नहीं लगाना, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो मास्टर जी गुस्सा हो जाएंगे। इसको अब वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर रुपीज 8,000 इच, एक वीसीआर टीवी दोनों की, जी वीसीआर पहले आता था जो है ना, इतनी बड़ी कैसेट आती थी डब्बे में, शादी ब्याह में लेके जाते थे वो लगाने के, उसकी जगह बेटे वो चिप आ गई है, चिप में तो दुनिया आ जाती है। वैसे एक चीज खर्चा किया था, सोचा तुम लोग को दिखा भी, ये हार्ड ड्राइव का नया केबल मंगाया मैंने, खराब हो गया था। चलो ये चीज रिकॉर्डिंग में नहीं।
तो वीसीआर और टीवी दोनों की प्राइस कितनी है? 8,000 रुपए है। आप चाहे वीसीआर लो या टीवी लो। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। अगर उसने शॉपकीपर ने वीसीआर बेचा तो 4% के घाटे पर बेचा, और टीवी बेचता है तो 8% का उसको प्रॉफिट या फायदा होता है। आपको बताना है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपको क्या कहते हैं, गेन परसेंटेज कितना हुआ, मतलब फायदा कितना हुआ, उसका परसेंटेज बताना है टोटल का, और अगर लॉस बताएंगे तो उसका भी बताना है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ। तो पहले अलग अलग करके निकाल लेते हैं। पहले सीपी ऑफ अ वीसीआर 8,000, शॉपकीपर 4% लॉस पे करता है, तो दिस मीन सीपी इज 100, देन एसपी इज 96। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज पे 4% का लॉस का मतलब क्या हो गया कि 4% कम हो गया उसका, 96% मतलब हो रहा है उसका। तो सीपी अगर 8,000 है तो हमने क्या किया, 96 upon 100 कर दिया हमने into 8,000। तो ये हमको सेलिंग प्राइस मिल गया 4% लॉस पर 8,000 रुपए की कोई चीज कितने पे बिकी है, 7,680 रुपए। ठीक है, अब सीपी ऑफ अ टीवी 8,000 ही है, 8% हमने इंक्रीजमेंट में। देखो मैं यहां पर समझा दूं, यहां पे ट्रिक लगा रखा है कि 4% लॉस हुआ है ना, तो 100 में से माइनस कर दिया हमने, तो वो 400 में से माइनस करेंगे तो 96 आ गया परसेंटेज। और अगर बेटे मान लो कि 8% का फायदा है तो 100 में प्लस 8 कर देंगे तो 108% का फायदा है, 100 में तो बेचेगा ही ना। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्ते जी। नहीं जी अभी टेस्ट चल रहा है। देखिए तो 108% निकाल लिया हमने, एसपी इक्वल टू 108/100 इंटू 8,000। तो हमने टीवी कितने की बेची 8% फायदे पे, 8,640। तो भैया सेलिंग प्राइस दोनों का हमको पता करना है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस जोड़ दिया हमने तो 16,320, और कोस्ट प्राइस दोनों का निकाला तो 16,000 रुपए। अब देखते हैं कि सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से ज्यादा है ना, दोनों का अगर कंबाइंड करें तो जो सेलिंग प्राइस है कोस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब, और डिफरेंस कितना है 320 का, मतलब कि उसका गेन परसेंटेज हो गया। द शॉपकीपर हैड अ गेन ऑफ 2% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अभी जितना निकला इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 2% का उसको फायदा हुआ है। एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो दोनों का हमने सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। सेलिंग प्राइस दोनों का प्लस कर दिया और कोस्ट प्राइस प्लस कर दिया, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो फायदा तो हुआ ही है। और ये 320 रुपया, ठीक है ना, डिफरेंस कितना है 320 रुपया, मतलब कि 2% का होल ट्रांजेक्शन पे 2% का उसको प्रॉफिट हुआ है। देखिए सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। किसी भी चीज का एमआरपी कुछ भी लिखा हो, हर चीज 10% के डिस्काउंट पे मिलेगी आपको, मतलब सस्ती मिलेगी। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जींस मार्क्ड 1450। ये तो सब करा रखा है पहले, क्यों करवा रहे हो? 1450 रुपए जींस की प्राइस लिखी हो। एक कस्टमर जाता है, दो जींस लेता है वो, और आपको पता है कि हर एक और सॉरी एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट 850 रुपीज। तो दो जींस और एक ही जींस है क्या? अब पेयर ऑफ जींस तो डबल ही हो गया। अच्छा मतलब इच का नहीं है, ठीक है। तो दो जीन्स का जो प्राइस है 1450 और दो शर्ट की प्राइस कितनी है 850। एक की 850 है, दो शर्ट खरीद रहे हो, ठीक है।
तो 1450 जींस का हो गया 2 × 850 उसका मतलब 1700। तो टोटल जितना भी वो खरीदा कितने का हो गया 3150 का। आपको पता है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 × 100/3150। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिला उसको, 315 का। ऑल्सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है और सेल प्राइस, तो 315 तो डिस्काउंट मिल गया था, मार्क्ड प्राइस कितना था 3150 और सेल प्राइस हमें पता करना है। तो सेल प्राइस बराबर क्या होगा, जितना भी दोनों को टोटल करके निकाला है और जितना डिस्काउंट था, मतलब 315 जो डिस्काउंट था माइनस कर देंगे, तो अब हमको पता चल गया कि उस कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिलने के बाद दो चीजों के लिए कितने पैसे देने पड़े, 2835। क्लियर है? चलो कितने क्वेश्चन टोटल, ठीक है 7 देखिए। अ मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹20,000 ईच। ठीक है, एक दूध वाले ने, ग्वाले ने अपनी दो भैंसिया बेची और हर भैंसिया का दाम ₹20,000 है, एक एक भैंसिया का। ऑन वन ही हैड टू गेन 5% एंड ऑन द अदर लॉस 10%। एक भैंस जो उसने 20,000 की बेची उसमें उसको 5% का फायदा हुआ और दूसरे में 10% का घाटा। तो आपको बताना है टोटल ओवरऑल गेन और लॉस। तो 20,000 का पहले अगर 5% हम गेन लगाएं तो 105% के हिसाब से लगाएंगे, 19,047.62 मिल गए आपको। 5% फायदे पर एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है, अच्छा कोस्ट प्राइस निकाल, मैं सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक। हाँ तो सेलिंग प्राइस पता है, तो हम कोस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, कोस्ट प्राइस ऑफ वन बफेलो, तो 100/105 किया हमने, जो ये फायदा हुआ है 20,000 का, इसका मतलब उसने जो खरीदी थी 19,047 रुपए की खरीदी थी, और अगर उस पर फायदा हुआ है 5% फायदे के बाद वो 20,000 में बेची, ठीक है ना, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस तो पहले से दिया हुआ था फर्स्ट बफेलो का 20,000, और आपने कोस्ट प्राइस निकाल लिया 19,047 रुपए, ठीक है। दूसरे का भी ऐसे ही देखेंगे, दूसरे का कोस्ट प्राइस था 22,222 रुपए, ठीक है, खरीदा था उसने और उसको घाटे पे बेचना पड़ा 10% के, वो कितने में बेचा उसने, 20,000 में। तो सीपी दोनों का प्लस कर लिया, एसपी दोनों का प्लस कर लिया, दोनों का डिफरेंस किया, तो हमें लॉस कितना मिला है, इसी में बेटे सातवें पे। तो देखो फिर से बताएं इसको, एक मिल्कमैन के पास दो भैंस थी, एक को वो 20,000, दोनों को 20,000 रुपए में वो बेचता है, ठीक है, दो भैंस दोनों को 20,000 रुपए में बेचा, पहले वाले भैंस पर जब उसने बेचा तो उसको 5% का फायदा हुआ। याद रखिएगा हमको दोनों का सेलिंग प्राइस पता है, 20,000 रुपए दोनों का सेलिंग प्राइस, तो पहले वाले में 5% का उसको फायदा हुआ और दूसरे वाले में 10% का घाटा, ठीक है ना। हिंट में दे ही रखा है आपको, केवल सीपी फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो सीपी निकालने के लिए हमने क्या किया कि सीपी ऑफ वन बफेलो 100/105, 5% का हमको फायदा हुआ था, into 20,000, तो इसका कोस्ट प्राइस क्या मिल गया, 19,047 रुपए, ठीक है, मतलब इतने की तो उसको पड़ी थी, खरीदी थी उसने और बेचने में उसने 5% फायदे के बाद उसने 20,000 में बेची। तो सेलिंग प्राइस 20,000 और कोस्ट प्राइस 19,047। दूसरे का भी वही कैलकुलेशन लगाया है, इसमें 10% का लॉस दिखा है तो 100/90 हो गया, और इसमें देखिएगा 22,222 रुपए में बेचा है, ये खरीदा था उसने, ठीक है। तो मान लो कि आपने 22,222 रुपए में कोई चीज खरीदी थी और 20,000 में बेच रहे, तो घाटा हुआ ना, ठीक है। तो दोनों का सीपी प्लस करेंगे तो पहले का 19,047 आया है और दूसरे का 22,222, 41,269.84 निकल के आ गया, और सेलिंग प्राइस दोनों का तो 40,000 था। अब मान लीजिए तो लॉस ही हुआ ना,
आप अगर एसपी अगर फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि अगर आपने जितने में खरीदी है उससे कम में बेचा, आपने बेचा है 40,000 में और आपको खरीदी पड़ गई 41,269 की, तो घाटा हुआ, लॉस, तो लॉस कितना हुआ, 12,069 रुपए का लॉस हुआ, 12,684 का लॉस हुआ, वही तो पूछा जा रहा है, क्लियर है? क्वेश्चन को बस कल उल्टा कर दिया गया, घुमा दिया गया, आप लोग उल्टी मत करिएगा। टेनी क्वेश्चन तो है, नाइन्थ देखते हैं, अच्छा इलेवेंथ है इसमें, इलेवेंथ क्वेश्चन, ओके नो प्रॉब्लम। द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, प्राइस है टीवी की 13,000 रुपए, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, उस पे सेल चार्ज 12% लगता है, मतलब कि अब लग रहा है तो 13,000 में और 12% एक्स्ट्रा लगेगा, दाम बढ़ेगा उसका। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ इट बाय इट, तो 13,000 रुपए अगर मान लीजिए कि 100 में, इसका मतलब है कि हर 100 रुपए पे उसने 12 रुपए का टैक्स दिया है, इसका मतलब 12, अगर हमको 13,000 का निकालना है कि 13,000 रुपए पे उसने कितना टैक्स दिया है, तो 12/100 × 13 12% निकालेंगे ना जी, 13,000 का 12% क्या होगा, 12/100 × 13,000 1560 रुपए का टैक्स हो गया, कॉस्ट 13,000, टैक्स 1560, बात खत्म, 14,560 रुपए उसने दिए। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने एक जोड़ी स्केट्स खरीदे जहां पर, जिस शॉप पे 20% का डिस्काउंट चल रहा था। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस डिस्काउंट से पहले जी, एमआरपी क्या लिखी हुई थी, हम मार्क प्राइस एक्स मान लेते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए जितना डिस्काउंट मिला है अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100, तो डिस्काउंट परसेंटेज 20% का डिस्काउंट था, डिस्काउंट अपॉन एक्स इनटू 100, डिस्काउंट को बाहर करते हैं, 20 अंदर करते हैं, अपॉन 100 इनटू एक्स, तो 1/5x, इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिला है उसको, 1/5x, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, तो 1/5x तो डिस्काउंट था, मार्क प्राइस हमें पता नहीं तो x माना था हमने, और सेल प्राइस 1600, तो x माइनस 1/5x, 1/x को उधर लेके जाएंगे, प्लस था तो माइनस हो गया, इनटू 1600, इसको बेटा एलसीएम लेंगे तो 4/5x हो जाएगा, एलसीएम जिस तरह मैंने लिया था ना उसी तरह करना है आपको। सरदा एलसीएम कितना, 4/5x कैसे आएगा, ये एलसीएम की तरह आएगा, ठीक है ना, इसमें पूरा कैलकुलेट नहीं किया गया, अपॉन 1600, तो x इज इक्वल टू 1600, x के नीचे 1 कर दो, 5 और 1 कैल्शियम 5 आ जाएगा, जिस तरह मैंने ये करके दिया है, तब जाकर के 4/5x आएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 1600, x इज इक्वल टू 1600, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 ऊपर 4 नीचे, 2000 रुपए x की वैल्यू आ गई, तो मार्क प्राइस क्या हो गया, 2000, ठीक है, बोल सर, नहीं समझ में, ठीक, चलो टेंथ पे देखते हैं। आप लोग का किस चैप्टर का टेस्ट है आज, पावर, एक्सपोनेंट पावर, ठीक, तुम्हें जितना आता है करो, तुम्हें भी सिखाया नहीं, ठीक है ना, जो भी आता है जितना भेजता है समझ समझ के करो, चीटिंग मत करो, मानने कौन वाला है। आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 54,000 इंक्लूडिंग 8% वैट, वैट मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है उसको, अब उसके जगह जीएसटी चचाया गया है, तो एक हेयर ड्रायर, मेरे तो हेयर है ही नहीं उतने, हाँ बस, और भी चीजें इंक्लूड हुई है उसमें, डिफरेंस है लेकिन बहुत कम, कुछ और एक्स्ट्रा चीजों को वैट, जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यू एडेड टैक्स में कुछ और चीजों को प्लस कर दिया गया, वैल्यू एडेड टैक्स से ही जीएसटी होता था, ठीक है, अब उसमें क्या और चीजों को ऐड करके उसको जीएसटी बना दिया, जीएसटी मतलब सारा टैक्स एक ही जगह, काम खत्म। चलिए भैया वैट को देखें,
तो क्वेश्चन क्या था कि 8% वैट देने के बाद एक हेयर ड्रायर की कीमत 5400 रुपए हुई है, तो आपको बताना है कि वैट न लगने पे उसकी कीमत कितनी थी। तो आपको पता है कि वैट अगर आप दे रहे हो तो 100 रुपए की चीज 108 में मिल रही है, ठीक है ना। तो वैन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज 108 ओरिजिनल प्राइस, अगर 100 की थी तो 108 में मिलेगी, तो 100, तो अगर 5400 रुपए ओरिजिनल प्राइस है तो 100/108 इंटू 4500, 5000 रुपए, तो वैट लगने से पहले 5000 रुपए उसकी कीमत थी। जीएसटी बेटे आप कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें जीएसटी नहीं देंगे। हम लोग जो कंज्यूमर होते हैं ना, आप जिस भी चीज को दुकान से खरीद के ले आते हैं तो देंगे। हाँ, तो दुकान वाला होगा वो आगे से उठाएगा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो चीजें होती है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा कंपनी देती है, फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है। मान लीजिए कि स्टेपलर जिस कंपनी फैक्ट्री में बना है, सरकार उस फैक्ट्री से जीएसटी लेगी, क्या उसको किसी से मतलब नहीं है। उस फैक्ट्री से एक होलसेलर लेके आएगा तो जो कंपनी महंगा बेचेगा, फिर होलसेलर रिटेलर और महंगा। हाँ, तो जीएसटी तक आते आते इस पे जीएसटी एक फिक्स है कि मान लो कि अगर ये 100 रुपए का स्टेपलर है तो इसपे 4 रुपए की जीएसटी लग रही है, सरकार को 4 रुपए ही चाहिए, तो वो जो रिटेलर जहाँ कंपनी है वो 4 रुपए लेगा, होलसेलर से 4 रुपए लेगा, रिटेलर से 4 रुपए लेगा, और रिटेलर भी आपसे 4 रुपए लेगा, ठीक है। इस तरह वो चलता आएगा, अपना मार्जिन अलग से रखें, पैसा ज्यादा बढ़ाते हैं, चिंता मत करिए, हंसी जल्दी खत्म होने वाली है, टेस्ट और ही बढ़ेंगे आप लोग, मजा तो वही रहा होगा आप लोगों। चलिए 8.3 पे आते, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए, कितने क्वेश्चन टोटल इसमें, 11 क्वेश्चन थे इसमें, 8 ठीक इसमें 12 है। हां तो इस पे फोकस करिए, आप लोग भी खुद से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1,08,000 कितना है, 10,800 फॉर 3 इयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, आपको सॉल्व करना है। अगर कोई भी चीज 10,800 रुपए है 3 साल के लिए आपने लिए और 12.5% पर ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब ब्याज, ब्याज पे। तो प्रिंसिपल जो पूरा दाम होता है 10,800, रेट क्या है 12.5% का, तो 25/2% हो गया, और ईयर कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर 3, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 टू द पावर n, इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो p हमारा है 10,800, 1+R है 25 अपॉन, तो यहाँ नीचे क्या 100 आना था, तो 25/2 था ना, तो हमने सीधे 200 कर दिया है, 100 × 2 = 200 हो गया, पावर 3, तो 10,800 ऊपर कितना हो जाएगा, क्या नहीं है, ये ऊपर जो आर रेट है 25/2 था ना आर, ठीक है, हमने 25/2 कर दिया, तो आर के जगह 25 पर रहने दिया, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना, 100 2 जाए कितना हो जाएगा 200 लिख दिया, वही तो लिखा है, और नंबर ऑफ ईयर कितने थे, एन के जगह 3 आएगा ऊपर, अरे 25 को क्यों क्या होगा, एक सेकेंड, अरे सॉरी एलसीएम लेकर के किया गया सॉल्व इसको, पूरा एलसीएम लेकर, अब 225/200 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके 3 times लिख दो आप, और जितना कटता है काट करके पूरा सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, 15377.34375, जो लगभग क्या होगा 15,377.34 अप्रोक्सीमेटली, और नहीं तो क्या डांस करोगे, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करके देखना है, ज्यादा बड़ा है।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना निकाला 15,377, तो हमने इसमें से माइनस कर देना है 10,800. तुम्हें चाहिए था उसे, ठीक है कर दिया, तो 4,577 रुपए है ना 34 पैसे आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा भैया अगर बैठ के आप, सॉरी यहाँ पर सेम उसी तरह क्या अमाउंट है बेटा, ये अमाउंट है और पी प्रिंसिपल है जो फॉर्मूला हमने लगाया है ना, पी इंटू वन प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन ए इक्वल टू. अगला क्वेश्चन सेम है, मैं नहीं करा रहा तो खुद से कर लीजिएगा. सॉल्यूशन भेज रखा है, खुद से करिएगा, कोई भी कैलकुलेशन में कुछ तोप नहीं है. नाम बोलिए सी का. ठीक है देखिए फर्स्ट का सी देख लीजिए. क्वेश्चन समझाऊंगा केवल. 62,500 रुपए पी है प्रिंसिपल, वन ऑफ हाँ क्वेश्चन देखो, वन इंटू वन अपॉन टू इयर्स रेट है, सॉरी टाइम है, एन है वो, और 8% उसका रेट है. इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो. सी वन का सी बुक लाए हो साइंस की, धरती पे किस लिए आए हो?